दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, राजस्थान और चेन्नई के लिए आज करो या मरो की स्थिति है। पॉइंट्स टेबल में दोनों सबसे नीचे है। टूर्नामेंट में आगे बने रहने के लिए आज का मुकाबला दोनों के लिए बेहद अहम है। दोनों टीम जीत के लिए आज जी जान लगा देगी। दोस्तों, दोनों टीमों में बदलाव हुआ है। चेन्नई में दो बदलाव है। ब्रावो और कर्ण शर्मा मैच में नहीं है। ब्रावो की जगह जोस हेजलवुड और शर्मा की जगह पीयूष चावला को मौका दिया गया है। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने जयदेव उनाकट की जगह अंकित शर्मा को मौका दिया है। दोस्तों, आइए देखते हैं टीम किस प्रकार है, जिसमें चेन्नई में है सैम करन, फॉफ डुप्लेसिस, शेन वाटसन, अम्बाती राइडू, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, केदार जाधव, पीयूष चावला, दीपक चाहर, जोस हेजलवुड, शार्दुल ठाकुर। और राजस्थान की टीम में है रॉबिन उथप्पा, बेन स्टॉक्स, संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ, जोस बटलर, राहुल तेवतिया, रियान पराग, जोफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल, अंकित राजपूत और कार्तिक त्यागी। दोस्तों, जोफ्रा आर्चर शुरू से ही गजब की लय में गेंदबाजी कर रहे हैं। उन्होंने चेन्नई के सबसे ताकतवर बल्लेबाज को इस बार फंसा लिया। फाफ डुप्लेसिस चेन्नई की तरफ से सबसे शानदार बल्लेबाजी करते रहे हैं, लेकिन आर्चर ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। उनकी तीखी बाउंसर पर अपर कट लगाने के चक्कर में डुप्लेसिस ने कवर की तरफ खेला और वहां खड़े जोस बटलर ने सनसनीखेज कैच पकड़कर चेन्नई के खेमे को स्तब्ध कर दिया। दोस्तों, डुप्लेसिस ने 9 गेंदों में मात्र 10 रन बनाए। दो ओवर बाद चेन्नई का स्कोर 13 रन एक विकेट था, जिसमें करण ने 7 रन बनाए और वाटसन 0 पे थे। दोस्तों, राजस्थान के स्टार गेंदबाज जोफ्रा आर्चर पहला ओवर लेकर आए है। स्ट्राइक आज सैम करन ने संभाल रखी है। फॉफ डुप्लेसिस दूसरे छोर पर मौजूद थे। राजस्थान को शुरुआती विकेट की तलाश, लेकिन चेन्नई के लिए करन संकट मोचक बनकर उभरे हैं। जहां टीम को जरूरत होती है वहां करन को भेज दिया जाता है। शुरुआती मैच में करन को पिंच हिटर बनाया गया, फिर निचले क्रम में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करवाई गई। पहला ओवर फिकवाई और पिछले कुछ मैचों से करन अब टीम में ओपनिंग भी कर रहे हैं। दोस्तों, आर्चर और करण इंग्लैंड के लिए खेलते हैं और दोनों एक दूसरे की ताकत कमजोरियों से वाकिफ है। देखते हैं आज का मुकाबला कैसा रहता है। दोस्तों, आपके हिसाब से आज कौन सी टीम जीतने वाली है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।